अनिष्ट शंका जो लिखित मुंशी प्रेमचंद जी ने। चांदनी रात समीर के सुखद झोंके सुरम्य उद्यान, कुंवर अमरनाथ अपने विस्तीर्ण छत पर लेटे हुए मनोरमा से कह रहे थे, तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी आऊंगा। मनोरमा ने उनकी ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, मुझे क्यों नहीं लेते चलते? अमरनाथ तुम्हें वहां कष्ट होगा, मैं कभी यहाँ रहूंगा कभी वहां, सारे दिन मारा मारा फिरूंगा, पहाड़ी देश है, जंगल और बिहड़ के सिवाय बस्ती का कोसों पता नहीं, उन पर भयंकर पशुओं का भय, तुमसे यह तकलीफें न सही जाएंगी। मनोरमा, तुम भी तो इन तकलीफों के आदि नहीं हो। अमरनाथ, मैं पुरुष हूँ, आवश्यकता पड़ने पर सभी तकलीफों का सामना कर सकता हूँ। मनोरमा गर्व से, मैं भी स्त्री हूँ, आवश्यकता पड़ने पर आग में कूद सकती हूँ। स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य कल्पना है, उनमें शारीरिक सामर्थ्य चाहे न हो पर उनमें यह धैर्य और साहस है जिस पर काल की दुश्चिंताओं का जरा भी असर नहीं होता। अमरनाथ ने मनोरमा को श्रद्धामय दृष्टि से देखा और बोले, यह मैं मानता हूँ, लेकिन जिस कल्पना को हम चिरकाल से प्रत्यक्ष समझते आए हैं वो एक क्षण में नहीं मिट सकती। तुम्हारी तकलीफ मुझसे न देखी जाएगी, मुझे दुख होगा। देखो इस समय चांदनी में कितनी बहार है। मनोरमा, मुझे बहलाओ मत, मैं हट नहीं करती, लेकिन यहाँ मेरा जीवन अपार्ट हो जाएगा। मेरे हृदय की दशा विचित्र है, तुम्हें अपने सामने न देखकर मेरे मन में तरह तरह की शंकाएं होती हैं कि कहीं चोट न लग गई हो। शिकार खेलने जाते हो तो डरती हूँ, कहीं घोड़े ने शरारत न की हो, मुझे अनिष्ट का भय सदैव सताया करता है। अमरनाथ, लेकिन मैं तो विलास का भक्त हूँ, मुझ पर इतना अनुराग करके तुम अपने ऊपर अन्याय करती हो। मनोरमा ने अमरनाथ को दबी हुई दृष्टि से देखा जो कह रही थी, मैं तुमको तुमसे ज्यादा पहचानती हूँ। बुंदेलखंड में भीषण दुर्भिक्ष था, लोग वृक्षों की छालें छील छील कर खाते थे, क्षुधा पीड़ा ने भक्षा भक्ष की पहचान मिटा दी थी, पशुओं का तो कहना ही क्या, मानव संता ने कोड़ियों के मोल बिकती थी, पादरियों की चढ़ बनी थी, उनके अनाथालयों में नित्य गोल के गोल बच्चे भेड़ों की भांति हाँके जाते थे, माँ की ममता मुट्ठी भर अनाज पर कुर्बान हो जाती। कुंवर अमरनाथ काशी सेवा समिति के व्यवस्थापक थे, समाचार पत्रों में यह रोमांचकारी समाचार देखे तो तड़प उठे। समिति के कई नवयुवकों को साथ लिया और बुंदेलखंड जा पहुंचे। मनोरमा को वचन दिया कि प्रतिदिन पत्र लिखेंगे और यथासंभव जल्दी लौट आएंगे। एक सप्ताह तक तो उन्होंने अपना वचन पालन किया, लेकिन शनै शनै पत्रों में विलम्ब होने लगा। अक्सर इलाके डाकघर से बहुत दूर पड़ते थे, यहाँ से नित्य प्रति पत्र भेजने का प्रबंध करना दुसाध्य था। मनोरमा वियोग दुख से विकल रहने लगी, वह अव्यवस्थित दशा में उदास बैठी रहती, कभी नीचे आती कभी ऊपर जाती कभी बाग में जा बैठती। जब तक पत्र न आ जाता वह इसी भांति व्यग्र रहती, पत्र मिलते ही सूखे धान में पानी पड़ जाता। लेकिन जब पत्रों के आने में देर होने लगी तो उसका वियोग विकल हृदय अधीर हो गया, बार बार पछताती कि मैं नाहक उनके कहने में आ गई, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। उसे किताबों से प्रेम था पर अब उनकी ओर ताकने का भी जी न चाहता, विनोद की वस्तुओं से उसे अरुचि सी हो गई। इस प्रकार एक महीना गुजर गया। एक दिन उसने स्वप्न देखा कि अमरनाथ द्वार पर नंगे सिर नंगे पैर खड़े रो रहे हैं। वो घबरा कर उठ बैठी और उग्र अवस्था में दौड़ी द्वार तक आई। यहाँ का सन्नाटा देखकर उसे होश आ गया, उसी दम मुनीम को जगाया और कुंवर साहब के नाम तार भेजा, किंतु जवाब न आया। सारा दिन गुजर गया मगर कोई जवाब नहीं, दूसरी रात भी गुजरी लेकिन जवाब का पता न था। मनोरमा निर्जल निराहार मूर्छित दशा में अपने कमरे में पड़ी रहती, जिसे देखती उसी से पूछती, जवाब आया?
कोई द्वार पर आवाज देता तो दौड़ी हुई जाती और पूछती, कुछ जवाब आया? उसके मन में विविध शंकाएं उठती, लौंडियों से स्वप्न का आशय पूछती, स्वप्न के कारण और विवेचना पर कई ग्रंथ पढ़ डाले, पर कुछ रहस्य न खुला। लौंडियां उसे दिलासा देने के लिए कहती, कुंवर जी कुशल से हैं, स्वप्न में किसी को नंगे पैर देखें तो समझो वो घोड़े पर सवार है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन रमा को इस बात से तस्कीन न होती, उसे तार के जवाब की रट लगी हुई थी। यहाँ तक कि 4 दिन गुजर गए। किसी मोहल्ले में मदारी का आ जाना बाल वृंद के लिए एक महत्व की बात है। उसके डमरू की आवाज में खोचे वाले की क्षुधावर्धक ध्वनि से भी अधिक आकर्षण होता है। इसी प्रकार मोहल्ले में किसी ज्योतिषी का आ जाना मार्के की बात है। एक क्षण में इसकी खबर घर घर फैल जाती। सास अपनी बहू को लिए आ पहुंचती, माता भाग्यहीन कन्या को लेकर आ जाती है। ज्योतिषी जी दुख सुख की अवस्था अनुसार वर्षा करने लगते हैं। उनकी भविष्यवाणियों में बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। उनका भाग्य निर्माण भाग्य रेखाओं से भी जटिल और दुर्ग्राही होता है। संभव है कि वर्तमान शिक्षा विधान ने ज्योतिष का आदर कुछ कम कर दिया हो, पर ज्योतिषी जी के महात्म्य में जरा कमी नहीं हुई। उनकी बातों पर चाहे किसी को विश्वास न हो, पर सुनना सभी चाहते हैं। उनके एक एक शब्दों में आशा और भय को उत्तेजित करने की शक्ति भरी रहती है। विशेषतः उसकी अमंगल सूचना तो वज्रपात के तुल्य है, घातक और दग्धकारी। तार भेजे हुए आज 5वां दिन था कि कुंवर साहब के द्वार पर एक ज्योतिषी का आगमन हुआ। तत्काल मोहल्ले की महिलाएं जमा हो गईं। ज्योतिषी जी भाग्य विवेचन करने लगे, किसी को रुलाया, किसी को हंसाया। मनोरमा को खबर मिली, उन्हें तुरंत अंदर बुला भेजा और स्वप्न का आशय पूछा। ज्योतिषी जी ने इधर उधर देखा, पन्ने के पन्ने उल्टे, उंगलियों पर कुछ गिना, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या उत्तर देना चाहिए। बोले, क्या सरकार ने यह स्वप्न देखा है? मनोरमा बोली, नहीं, मेरी एक सखी ने देखा है। मैं कहती हूँ यह अमंगल सूचक है, वह कहती है मंगलमय है, आप इसकी क्या विवेचना करते हैं? ज्योतिषी जी फिर बगले झांकने लगे। उन्हें अमरनाथ की यात्रा का हाल न मालूम था और न इतनी मोहलत ही मिली थी कि यहाँ आने के पूर्व वह अवस्था ज्ञान प्राप्त कर लेते जो अनुमान के साथ मिलकर जनता में ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रश्न पूछा था उसका भी कुछ सूत्र सूचक उत्तर न मिला। निराश होकर मनोरमा के समर्थन करने ही में अपना कल्याण देखा। बोले, सरकार जो कहती है वही सत्य है, वो स्वप्न अमंगल सूचक है। मनोरमा खड़ी सितार के तार की भांति थर थर कांपने लगी। ज्योतिषी जी ने उस अमंगल का उद्घाटन करते हुए कहा, उनके पति पर कोई महान संकट आने वाला है, उनका घर नाश हो जाएगा, वह देश विदेश मारे मारे फिरेंगे। मनोरमा ने दीवार का सहारा लेकर कहा, भगवान मेरी रक्षा करो, और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। ज्योतिषी जी अब चेते, समझ गए कि बड़ा धोखा खाया। आश्वासन देने लगे, आप कुछ चिंता न करें, मैं उस संकट का निवारण कर सकता हूँ। मुझे एक बकरा, कुछ लौंग और कच्चा धागा मंगा दे। जब कुंवर जी के यहाँ से कुशल समाचार आ जाए तो जो दक्षिणा चाहे दे दें। काम कठिन है, पर भगवान की दया से असाध्य नहीं है। सरकार देखें, मुझे बड़े बड़े हकीमों ने सर्टिफिकेट दिए हैं। अभी डिप्टी साहब की कन्या बीमार थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मैंने यंत्र दिया, बैठे बैठे आंखें खुल गईं। कल की बात है, सेठ चंदूलाल के यहाँ से रोकड़ की एक थैली उड़ गई थी, कुछ पता न चलता था। मैंने सगुन विचारा और बाद की बात में चोर पकड़ लिया, उनके मुनीम का काम था। थैली ज्यों की त्यों निकल आई। ज्योतिषी जी तो अपनी सिद्धियों की सराहना कर रहे थे और मनोरमा अचेत पड़ी हुई थी। अकस्मात वह उठ बैठी, मुनीम को बुलाकर कहा, यात्रा की तैयारी करो, मैं शाम की गाड़ी से बुंदेलखंड जाऊंगी। मनोरमा ने स्टेशन पर आकर अमरनाथ को ताक दिया, मैं आ रही हूँ। उनके अंतिम पत्र से ज्ञात हुआ था कि वह कब्रई में है। कब्रई का टिकट लिया, लेकिन कई दिनों से जागरण कर रही थी,
गाड़ी पर बैठते ही नींद आ गई और नींद आते ही अनिष्ट शंका ने एक भीषण स्वप्न का रूप धारण कर लिया। उसने देखा सामने एक अगम सागर है, उसमें एक टूटी हुई नौका हलकोरे खाती बहती चली जाती है। उस पर न कोई मल्लाह है, न पाल, न डांडे। तरंगे उसे कभी ऊपर ले जाती हैं, कभी नीचे। सहसा उस पर एक मनुष्य दृष्टि को जर हुआ। यह अमरनाथ थे, नंगे सिर, नंगे पैर, आंखों से आंसू बहाते हुए। मनोरमा थर थर कांप रही थी। जान पड़ता था नौका अब डूबी और अब डूबी। उसने जोर से चीख मारी और जाग पड़ी। शरीर पसीने से तर था, छाती धड़क रही थी। वो तुरंत उठ बैठी, हाथ मुंह धोया और इसका इरादा किया, अब न सोऊंगी। हा, कितना भयावह दृश्य था। परम पिता, अब तुम्हारा ही भरोसा है, उनकी रक्षा करो। उसने खिड़की से सिर निकाल कर देखा, आकाश पर तारागण दौड़ रहे थे। घड़ी देखी, 12 बजे थे। उसको आश्चर्य हुआ, मैं इतनी देर तक सोई, अभी तो एक झपकी भी पूरी न होने पाई। उसने एक पुस्तक उठा ली और विचारों को एकाग्र कर पढ़ने लगी। इतने प्रयाग आ पहुंचा, गाड़ी बदली। उसने फिर किताब खोली और उच्च स्वर से पढ़ने लगी, लेकिन कई दिनों की जगी आंखें इच्छा के अधीन नहीं होती। बैठे बैठे झपकियां लेने लगी, आंखें बंद हो गईं और एक दूसरा दृश्य सामने उपस्थित हो गया। उसने देखा आकाश से मिला हुआ एक पर्वत शिखर है, उसके ऊपर के वृक्ष छोटे छोटे पौधों के सदृश दिखाई देते हैं। श्याम वर्ण घटाएं छाई हुई हैं। बिजली इतनी जोर से कड़कती है कि कान के पर्दे फटे जाते हैं। कभी यहाँ गिरती है, कभी वहाँ। शिखर पर एक मनुष्य नंगे सिर बैठा हुआ है, उसकी आंखों का अश्रु प्रवाह साफ दिख रहा है। मनोरमा दहल उठी, यह अमरनाथ थे। वह पर्वत शिखर से उतरना चाहते थे, लेकिन मार्ग न मिलता था। भय से उनका मुख वर्ण शून्य हो रहा था। अकस्मात एक बार बिजली का भयंकर नाद सुनाई दिया, एक ज्वाला से दिखाई दी और अमरनाथ अदृश्य हो गए। मनोरमा ने फिर चीख मारी और जाग पड़ी। उसका हृदय बांसों उछल रहा था, मस्तिष्क चक्कर खाता था। जागते ही उसकी आंखों में जल प्रवाह होने लगा। वह उठ खड़ी हुई और कर जोड़कर ईश्वर से विनय करने लगी, ईश्वर मुझे ऐसे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, न जाने उन पर क्या बीत रही है। तुम दिनों के बंधु हो, मुझ पर दया करो। मुझे धन और संपत्ति की इच्छा नहीं है, मैं झोंपड़ी में खुश रहूंगी। मैं केवल उनकी शुभकामना रखती हूँ, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार करो। वह फिर अपनी जगह पर बैठ गई। अरुणोदय की मनोरम छटा और शीतल सुखद समीर ने उसे आकर्षित कर लिया। उसे संतोष हुआ, किसी तरह रात कट गई, अब तो नींद न आएगी। पर्वतों से मनोहर दृश्य दिखाई देने लगे, कहीं पहाड़ियों पर भेड़ों के गल्ले, कहीं पहाड़ियों के दामन में मृगों के झुंड, कहीं कमल के फूलों से लहराते सागर। मनोरमा एक अर्ध स्मृति की दशा में इन दृश्यों को देखती रही, लेकिन फिर न जाने कब उसकी अभागी आंखें झपक गईं। उसने देखा अमरनाथ घोड़े पर सवार एक पुल पर चले जाते हैं। नीचे नदी उमड़ी हुई है, पुल बहुत तंग है, घोड़ा रह रह कर बिदकता है और अलग हो जाता है। मनोरमा के हाथ पांव फूल गए, वो उच्च स्वर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, घोड़े से उतर पड़ो, घोड़े से उतर पड़ो। यह कहते हुए वो उनकी तरफ झपटी, आंखें खुल गईं। गाड़ी किसी स्टेशन के प्लेटफार्म से सनसनाती चली जाती थी। अमरनाथ नंगे सिर नंगे पैर प्लेटफार्म पर खड़े थे। मनोरमा की आंखों में अभी तक वही भयंकर स्वप्न समाया हुआ था। कुंवर को देखकर उसे भय हुआ कि वो घोड़े से गिर पड़े और नीचे नदी में फिसलना चाहते हैं। उसने तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए हाथ फैलाया और जब उन्हें न पा सकी तो उसे सुसुप्तावस्था में उसने गाड़ी का द्वार खोला और कुंवर साहब की ओर हाथ फैलाए हुए गाड़ी के बाहर निकल आई। तब वह चौंकी, जान पड़ा किसी ने उठाकर आकाश से भूमि पर पटक दिया। जोर से एक धक्का लगा और चेतना शून्य हो गई। वो कबरई का स्टेशन था। अमरनाथ तार पाकर स्टेशन पर आए थे, मगर यह डाक थी, वहां न ठहरती थी। मनोरमा को हाथ फैलाए गाड़ी से गिरते देखकर वह
हाँ हाँ करते हुए लपके, लेकिन कर्मलेख पूरा हो चुका था। मनोरमा प्रेम वेदी पर बलिदान हो चुकी थी। इसके तीसरे दिन वो नंगे सिर नंगे पैर भग्न हृदय पर पहुंची। मनोरमा का स्वप्न सच्चा हुआ। उस प्रेम विहीन स्थान में अब कौन रहता। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति काशी सेवा समिति को प्रदान कर दी और अब नंगे सिर नंगे पैर विरक्त दशा में देश विदेश घूमते रहते हैं। ज्योतिषी जी की विवेचना भी चरितार्थ हो गई। अनिष्ट शंका जो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद।